इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध पेड़े की रेसिपी। वैसे तो पारंपरिक तौर पर मथुरा जी के पेड़े गाय के दूध से बनाते हैं ताज़ा मावा बना करके, लेकिन आज हमने ये पेड़े बिना मावा बिना चाशनी के बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक भारी तली की कढ़ाई ली है और इसे गैस पर रख दिया है। यदि भारी तली की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो मावा हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, उसमें जलता नहीं है। यदि हल्की कढ़ाई होती है तो उसमें ज़्यादा चिपकता है, और यदि नॉनस्टिक कढ़ाई होती है तो और भी अच्छी बात है। मावा बनाने के लिए हम 2 कटोरी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे मध्यम आंच पर भूनेंगे। जैसे जैसे मिल्क पाउडर को भूनते हैं इसका कलर चेंज होने लगता है, और जैसे जैसे हम इसको भूनते हैं ये गर्म होने लगता है, तो इसमें गांठें बनने लगती हैं मिल्क पाउडर की। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे हमें 15 से 20 मिनट लगातार ऐसे ही चलाते हुए भूनना है और आंच को मध्यम ही रखना है। यदि आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो हो सकता है उसमें ज़्यादा ये चिपके और थोड़ा सा जलने का डर रहता है यदि भारी तली वाली कढ़ाई नहीं रहती है। तो इसको हमें चलाते रहना है, बराबर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरीके से आप देखते हैं हर 5 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये जो मिल्क पाउडर की गांठें हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखने में लग रहा है लेकिन आप जब हाथ से छुएंगे तो बिल्कुल ये सॉफ्ट होती हैं। थोड़ी थोड़ी इस तरीके से जो गांठें बन जाती हैं तो हम इसी कलछली से ऐसे इनको मैश करते रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यदि आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं या फिर आप बाद में डालिए। घी डालने के बाद हम 2 मिनट और इसको भून लेते हैं। लगभग हमने 15 से 20 मिनट इसको भूना है मिल्क पाउडर को। अब इसमें जो ये गांठें बनी हैं इनको हटाने के लिए मैंने 1 कप लिया है और इस तरीके से इन्हें मैश कर लिया है। गैस को हमने बंद कर दिया है। अभी आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में डाल करके भी पीस कर पाउडर बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी से गांठें हट जाती हैं। अब हम 1 कप दूध लेंगे। ये गर्म दूध है जिसको मैंने ठंडा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हो सकता है ये घोल ज़्यादा पतला हो जाए तो भूनने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमने 1/2 कप दूध इसमें मिलाया है, 1/2 कप दूध मैंने रख दिया है। अब आम मध्यम आंच पर हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसमें जो छोटी छोटी सी गांठें अभी रह गई हैं वो भी इस तरीके से मैश करते हुए हट जाती हैं। अब हमें इसे बिल्कुल मावा के जैसे बनाना है। यदि दूध का मावा रहता है तो उसमें काफ़ी सारा घी रहता है, लेकिन मिल्क पाउडर को थोड़ा सा चिकना करने के लिए 1 चम्मच हमने घी का और इस्तेमाल किया है। टोटल हमने इसमें 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। मथुरा के जो पेड़े होते हैं उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, वाइट कलर के नहीं बनाए जाते हैं। जब हम मिल्क पाउडर को भूनते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। यदि आप मावा से बनाते हैं तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा भूनना पड़ता है, तभी जाकर के इस तरीके से थोड़ा डार्क कलर आता है। तो मावे को हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें से जब लगे कि घी अलग होने लगा है उस टाइम हम गैस को बंद कर देते हैं। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो ये सूखा हो जाएगा और इसके आप पेड़े नहीं बना पाएंगे, बिखरने लगेगा। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये मावा बहुत ज़्यादा गर्म है, इस टाइम यदि इसमें चीनी मिला देते हैं तो चीनी गर्माहट से पिघलने लगेगा तो ये फिर से गीला हो जाएगा। जब इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा, उस टाइम हम इसमें भूरा चीनी मिलाते हैं। हमने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया था तो 1 कटोरी इसमें भूरा चीनी पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास भूरा चीनी नहीं है तो आप इसमें चीनी पीस करके डाल सकते हैं, शुगर पाउडर। इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमें इसे छोड़ना नहीं है, तुरंत इसका हमें पेड़ा बना लेना है। यदि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आप इसके पेड़े नहीं बना पाएंगे, बिखरने लगेगा। थोड़ा सा हमने ऊपर से भी भूरा चीनी लगा लिया है। शेप इसका आप कोई भी रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। वैसे तो इस तरीके से मथुरा में पेड़ा आपको देखने को मिलेगा, तो आप जैसा शेप चाहें वैसा बना सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा भूरा चीनी लगा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है।
तो आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन बना सकती हैं। एक्स्ट्रा चीनी मैंने हटा दिया है। इस तरीके से हमें फटाफट से पेड़े बना करके तैयार कर लेने हैं। खाने में स्वाद बिल्कुल लाजवाब होता है और कलर बिल्कुल वैसा ही आता है। जिसे भी खिलाएंगे यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे बिना मावा बिना चाशनी के बनाया है। घंटों दूध उबालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप फटाफट से मथुरा के पारंपरिक तौर पर बनने वाले पेड़े घर में आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, खाने में बेहद लाजवाब लगते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप ये पेड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी ऑल फ्रेंड्स।